फिलहाल उस साइड जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। हाँ, चुत्तर तो पूरा जलेगा आज, इतना हीट हो गया ना, देखो ना हीट हो गया पूरा। अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपने जीवन में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं लेह लद्दाख तक। दोस्तों लगभग 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया, ये देख लो, जिसमें लिखा कानपुर 251 किलोमीटर, प्रयागराज 40 किलोमीटर, संगम 38 किलोमीटर। ये चीज़ देख के थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि चलो अब कुछ पास आने वाले हैं, और अभी भी वन वे हाईवे पर ही चल रहे हैं। साइड साइड में आपको ढाबा वगैरह मिल जाता है। मुझे भी ढूंढ रहा हूँ पेट्रोल पम्प, अरे पेट्रोल पम्प इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वहाँ पर नहा धोकर हम सब फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो देखते हैं कितना देरी में मिलता है ये पेट्रोल पम्प, क्योंकि पेट्रोल पम्प इस हाईवे पर तो बहुत ज़्यादा मिलता है, बट कहीं कहीं पर नहीं भी मिलता है। वन वे हाईवे पर अभी लगभग 70-80 किलोमीटर से चल रहा हूँ, वन वे हाईवे ही चल रहा है प्रयागराज हाईवे, देखिए देख रहे ना। हाय, ऐसे लोग मिलते हैं रास्ते में, काफ़ी मज़ा आता है इन लोगों को देख के। ढाबे वगैरह रास्ते में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कांवरिया भी इसमें भरा भरा रहता है, बट अभी जो है देखिए ये लोग भी जा रहा है, कांवरिया लोग भी मतलब श्री भगवान के नगरी जा रहे हैं, इसलिए अभी कम पड़ रहा है, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है जिसके कारण से भी कम पड़ रहा है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, सुकून इतना मिल रहा है रूट में चलने का। मेरा सपना था लद्दाख जाने का, आज भी आप लोगों की वजह से मेरा पूरा पूरा हुआ नहीं, बट पूरा होने ही वाला, क्योंकि मैंने आप लोग साथ साथ बनाए रखो ताकि मैं उसे पूरा करूं और फिर से अगला ट्रिप पे स्टार्ट करूं। दोस्तों जैसे प्रयागराज से कुछ मतलब प्रयागराज अभी एंट्री लिए हुए थे, और आगे निकलने के बाद यहाँ से दो रूट फूट रहा है, ये देख सकते सामने, एक रूट उस रूट से जा रहा है नीचे की ओर से, एक रूट जो ये ब्रिज की ओर चढ़ रहा है, ये देखो आप लोग देख लो, यहाँ से दो रूट फूट रहा है ना, एक उधर जा रहे हैं एक इधर जा रहे हैं। इसलिए हो रहा है ना कि यहाँ से दो रूट इसलिए फूट गया है कि एक चल जाता है फोर लाइन के ऊपर चल जाता है, और एक जो संगम जो होता है ना, संगम यानी जानते होंगे संगम के बारे में, सिटी यानी सिटी के बारे अंदर घुस जाता है, तो ये वाला रूट जो जाता है नीचे की ओर जाता है ना, ये फोर लाइन डायरेक्ट इलाहाबाद में कनेक्ट करती है, और ये वाला रूट जो है ना संगम की ओर जाती है, ऊपर ब्रिज के ऊपर जब चढ़ के आप लोग जाइएगा ना, तो ब्रिज डायरेक्ट संगम के पास आपको ले जाएगा, यानी जो सिटी है सिटी के अंदर से क्रॉस करेगा आप लोग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप इधर इलाहाबाद के लिए लद्दाख दिल्ली की ओर क्रॉस कीजिएगा, तो नीचे वाला रूट से आप तभी जाइएगा जब आपको मतलब डायरेक्ट फोर लाइन कनेक्ट करना है, मतलब सिटी अंदर हिलना ही नहीं है। अगर सिटी जाना है, अगर मतलब जो ये प्रयागराज जाना है, तो ये लड्डू से जाइएगा, ये देख सकते हैं जो आप लोग जाइएगा संगम की ओर, तो ये लड्डू आप लोग को धरना है, ठीक है। रास्ते में चलते हुए मुझे एक मिला पेट्रोल पंप, जहाँ पे रुकने की व्यवस्था मिल गई, फिलहाल हमारे शेरू को वहाँ पे खड़ी कर दी, वो देख सकते हैं हमारे शेरू वहाँ पे, और ये रहा पेट्रोल पंप जो हाईवे के जस्ट बगल में। अभी ब्रश वगैरह करते हैं, मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं था, मोबाइल वाला चार्ज लगा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है कुछ देर, जब तक खाना वाना कुछ खा रहे हैं, क्योंकि खाए नहीं, 11 बज गया, मोबाइल देखते हैं चार्ज होने का। फ्रिज की पलक तो यहाँ, पलक यहाँ पे ही दिख रही है, यहाँ पे ही चार्ज हुआ, बट वहाँ पे तो थी लगा हुआ है भाई साहब, कैसे लगाना, एक बोर्ड और होगा कहीं, चलिए इसको पहले चार्ज में कहीं पलक वलक ढूंढ के इसको चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब हम निकल गए फ्रेश फ्रेश वाश होके, और अभी चल रहे हैं आगे की ओर, खाना खाने के ढूंढ रहे हैं, कहीं खाना खाने मिल जाएगा, कोई ढाबा वगैरह अच्छा मिल जाएगा तो खाना वाना खाएंगे। चल रोड तो अभी खाली खाली से नजर आ रहा है, मौसम भी काफ़ी साथ दे रही है आज, ऐसा मौसम रहेगा तो मज़ा आ जाएगा साइकिल चलाने में। तो चलिए आगे आप लोग को और दिखाते हैं कहाँ पे खाना लोग खाते हैं। और ये रहा कुछ डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल, काफ़ी बड़ा भाई साहब, काफ़ी लंबा चौड़ा में फैला हुआ है। चलिए चलते हैं, मार्केट यूनिवर्सिटी के अंदर घुस चुके हैं, बस थोड़ा दूर बचा है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत के बाद मुझे एक ढाबा मिल गया यहाँ पे, और अभी एक ढाबा मिला साहिदाबाद है, प्रयागराज में एंट्री ले लिए हैं, कल ही ले लिए थे प्रयागराज में एंट्री, अभी ये देख सकते हैं बाईपास के जस्ट बगल में, ये ला देखिए जस्ट बगल में ही ढाबा मिला है ना, ढाबा हर जगह पे मिलता है, और ढाबा कुछ इस तरह का है, अंदर में अभी हम लोग ऑर्डर दिया खाना खाने के, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ बनाने वाला रहा, और ये भाई साहब सब बना रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? राजू मिश्रा। कैसे किसी यहाँ पे चल जाता है, मतलब कोई यात्री लोग जो आ रहा है मेरे पीछे लोग, उनको मतलब क्या क्या मतलब सुविधाएं खाने के पीने मिल जाएगा? यहाँ खाने में अरहर की दाल मिल जाएगी, चना मसाला मिल जाएगा, मटर पनीर मिल जाएगी, शाही पनीर मिल जाएगी, आलू मटर मिल जाएगा, मिक्स वेज मिल जाएगा। अच्छा, सबको प्राइस मतलब नॉर्मली शॉर्टकट बता दीजिए, लगभग कितना रहेगा? नॉर्मली 120 रुपए है ना, दाल फ्राई रहेगी। अगर जो भी पीछे भाई यात्री लोग आ रहे हैं यहाँ, तो रुकने के रात में आपको व्यवस्था मिल जाएगी इस होटल में, बस आपको सर देना कि अपना सारा चीज़ और टेंट वगैरह जो अपना मतलब बिछोना चीज़ होता है उसको अपना तैयार करना पड़ेगा ना भैया। हाँ जी जी, थैंक यू भैया। और एक भैया ये भी, भैया भी बना रहे, आपका नाम क्या भैया? अरविंद कुमार। अच्छा है, इन भैया ने अभी बना रहे, खाना में स्वादिष्ट रहेगा ना जी? जी भैया एकदम, वो तो खा के पता चलेगा भाई ने, फिर भी अपना बनाते, चलिए अभी चलते हैं आगे आप लोग को दिखाते हैं कुछ इस तरह के। और अंदर में काफ़ी बड़ा फैला हुआ है भाई साहब, ये देखो, अब बाहर से देखने में छोटा मतलब लगा, अंदर में देखो कितना अच्छा फैला हुआ है, ये देख लो भाई साहब, देख लो यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं कुछ देर के लिए,
प्लग वहाँ लगा दे, यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल वगैरह को चार्ज करते हैं पूरे, और चार्ज कर क्योंकि मोबाइल वगैरह रात में चार्ज नहीं हुआ था। और अंदर के इधर देखो, इधर सारा चीज़ व्यवस्था इधर मिल जाएगा इन्हें, ये देखो पूरा खुला खुला सेरिया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहेगा। तो खाना तो भाई साहब यहाँ से खाना वाना तो खा लिए, अब यहाँ से निकल रहे हैं। धूप बहुत करी वाली धूप है, स्कूल में देखिए अभी छुट्टी हुआ यहाँ पे हुआ ना, जितना ही लोग जा रहा है ना स्कूल में बच्चे लोग देखिए इतना हुल्लड़ मचा है, अभी खतरनाक वाला हुल्लड़। हम सोचे बिहार में ऐसा हुल्लड़ पार्टी होता है, यहाँ यूपी में भी होता है भाई। पूरा गर्जा एकदम, पूरा लड़के लोग जब निकले थे ना स्कूल से तो पूरा लड़का लोग पूरा हो कर रहा था, कैसे लोग बिहारी लोग करते हो ना उस तरह से यूपी में भी होता है, तो ये लोग के कहीं भी सुधरने का मौका नहीं मिलता। चलिए कोई बात, हम लोग निकलते हैं अपने रास्ते से और चलते हैं। बोले हमारे शेरू का सीट तो पूरा हीट हो गया भाई साहब, हाँ चुत्तर तो पूरा जलेगा आज, इतना हीट हो गया ना, देखो ना हीट हो गया पूरा। कोई बात नहीं, मेरा चुत्तर भी मजबूत है, चलो चलते हैं। फाइनली मेरा प्रयागराज में एंट्री हो ही गया, बट बस सामने ये देखो सही द्वार बना हुआ है प्रयागराज का, ये देखियो नगर प्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ साथ आप सभी हमारे व्यूवर यूट्यूबर और फेसबुक पार्टी को सभी का स्वागत है हमारे तरफ से, हमारे यूट्यूब फैमिली को और फेसबुक फैमिली को। तो देख सकते हैं प्रयागराज में बस एंट्री ले ली, अभी इस रूट से हम लोग आए थे और कुछ क्षणों में मतलब ये बस दो कदम के अंतराल में भाई साहब क्या खुशी उमंग आ रहा है, बता नहीं सकता आपको। ये हमारी शेरू, थैंक यू शेरू, इन्होंने आज मुझे प्रयागराज तक पहुंचा दिया और उम्मीद है कि आगे ये लद्दाख तक भी ले जाएगा साथ मुझे भाई। एकदम फुल तो रही आज टारगेट पूरा, तो लगने थे प्रयागराज पहुँचेगा, पहुँच ही गए। और चलते प्रयागराज में आप लोगों को दिखाते किस तरह का प्रयागराज का व्यू होने वाला है, वो सारे चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं प्रयागराज एंट्री ले लिया था, रास्ते में मुझे कुछ आदमी मिले, मतलब अंकल मिले, इनसे भी बातें की काफ़ी अच्छा लगा। इनसे पहले सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? सरोज योगी। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। अच्छा लेक्चरर, आपका घर कहाँ है, मतलब कौन से प्रयागराज में? प्रयागराज में ही है। अच्छा, तो मतलब जो यात्री लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, दो शब्द बताइए अपने हिसाब से। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपने जीवन में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं लेह लद्दाख तक, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो देख सकते हैं ये अंकल ने जो मुझे मतलब थोड़ा सा मोटिव किया कि आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ा दिए, ताकि जो भी थकावट हो मेरा आज का तो थकावट खत्म हो गया इन अंकल से सुन के। तो अभी आगे निकलते हैं और अंकल से भी बातें वगैरह करेंगे और भी आगे निकलेंगे, फिर अभी हम लोग चलेंगे। ये संगम की ओर चल जाएगा ना अंकल, ये संगम की ओर, ये देखते पूरा भरा पड़ा, ये देख सकते हैं ये रास्ता डाल जाएगा संगम की ओर। तो चलते हैं, कुछ देर में निकलते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलाते हैं और आधे रास्ते में चलें। और ये देखो उस रास्ते से कांवरिया पथला जा रहा है, देख रहे हो ना, उधर से जल रिसीव कर रहा है उस पार में और इधर से रिटर्न हो कांवरिया पथला जा रहा है। वो कहाँ जा रहा पता है, जा रहा है बनारस यानी वाराणसी काशी विश्वनाथ के पास, वो लोग जा रहे हैं। देख लो पूरा रोड अभी तो सावन मलवास चला, इसके कारण से कम चल रहा है। ये देखो भाई साहब हाँ, सब लोग बनारस वाला जा रहे हैं, मतलब भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। और उस फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं इस ब्रिज को, क्योंकि इतना जाम इस ब्रिज पे ना, रुकने में बहुत ही दिक्कत पड़ा भाई, पड़ा है सामने। अभी चलिए पार होते भाई साहिब, दूर दूर तक कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पूरा सामने समुंदर ये जा रहा है। ये देखो सामने कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है भाई साहब, है ना, कहीं कुछ नज़र आ रहा है आपको? पूरा दूर दूर तक खाली नाय वगैरह चल रहा छोटा छोटा, और सामने उस साइड में आपको मंदिर वगैरह मिल जाएगा। अभी फिलहाल उस साइड जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फिर आप लोगों को। तो दोस्तों अभी बस संगम यहाँ से एक किलोमीटर और बचा है, संगम वाला रोड में ही हम लोग, ये देख सकते हैं मार्केट पर पसरा हुआ है, संगम वाला ही रूट में है ये। ये आप लोग को हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगा संगम के रास्ते में, ये देख लो है ना सभी जगह। अभी तो और भी ज़्यादा भीड़ इसमें रहता है, बस थोड़ा सा भी नहीं भीड़ है इसके कारण से, क्योंकि यहाँ पे मलमास वगैरह चल रहा है इसलिए भीड़ उतना नहीं रहता। ये देखो सामने पूरा लगा हुआ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्रयाग यानी संगम से, लगभग कितना किलोमीटर होगा, लगभग 10 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। यहाँ पे जगह का नाम देख सकते हैं मुंडेरा चुंगी है प्रयागराज, अभी यहाँ पे आ गया। और हमारे एक भैया जो यहाँ के थे रहने